और इस वक्त की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। आपको बता दें, ज्यादा अपडेट के लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के द्वारा डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई, इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण दो बार तीन बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी है, ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने, और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए, तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं, जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है, तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे।